Hello everyone, welcome back to my channel. So we are here with the part 2 of our chapter photochemistry, and in this video we will discuss about the laws of photochemistry. So let's begin with the first law of photochemistry, that is Grotthus Trapper law. Iski theoretical explanation di thi Grotthus ne in 1818, and it was confirmed by experimentally in 1839 by Draper, right? एंड इसकी स्टेटमेंट क्या थी, जब भी लाइट एक बॉडी पर फॉल करेगी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ जो बाकी बच जाएगा दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड. वो सिर्फ एब्सॉर्ब लाइट होगी जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी, राइट? एंड इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सॉर्ब लाइट हर बार केमिकल रिएक्शन करे, बट कई बार ये कुछ फिजिकल फिनोमेना भी करती है, जैसे फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. एंड ये ऑब्जर्व किया गया दैट लाइट एनर्जी मे नॉट बी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टिंग सब्सटेंस डायरेक्टली. कई बार डायरेक्टली रिएक्टिंग सब्सटेंस लाइट एब्सॉर्ब नहीं करता, पर लेकिन कोई उसके साथ जो सब्सटेंस पड़ा है वो एब्सॉर्ब कर लेता लाइट, और जो एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है वो दूसरे रिएक्टिंग सब्सटेंस को दे देता है, उसको पास कर देता है, एंड इसलिए रिएक्टिंग सब्सटेंस में रिएक्शन हो जाती है. इस चीज को हम कहते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन. सो आई थिंक आपको क्लियर है फोटो सेंसिटाइजेशन क्या है. अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की तरफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उसकी रिएक्शन हो रही है जिसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, सो वो रिएक्शन होता है, दैट इज फोटो सेंसिटाइजेशन, राइट? सो नाउ इज द सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, दैट इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ, राइट? इट इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस. इसको आइंस्टीन और स्टार्क ने दिया था इन 1905 एंड 1908 रेस्पेक्टिवली. इसने क्या कहा, दैट एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक्स पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्सॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन. हर एटम या मॉलिक्यूल जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा वो एक क्वांटम रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा टू विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड. जितनी भी रेडिएशन आ रही होगी उसमें से एक क्वांटम वो एब्सॉर्ब कर लेगा, राइट? हर मॉलिक्यूल. अगर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन, न्यू अगर एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ पर एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय वन मोल कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एन एच न्यू. एन इज ए एवोगाड्रो नंबर, राइट? और न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, राइट? सो दिस इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ, राइट? अब आइंस्टीन क्या होता है, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय वन मोल ऑफ फोटोन्स, जितने भी फोटोन्स रिएक्ट करेंगे, राइट? जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे जितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करें दैट इज कॉल्ड वन आइंस्टीन, राइट? अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें आइंस्टीन की डिफरेंट यूनिट्स में, पहले हम देखते हैं सीजीएस में, जहां पर एन की वैल्यू थी 6.02 × 10⁻²³, राइट? एंड एच की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज 6.66 × 10⁻²⁰ अर्ग सेकेंड्स, राइट? तो यहाँ पर −27 रहेगा, और सी की वैल्यू भी चेंज होती है, दैट इज 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब इसको पुट करेंगे इज इक्वल टू एन एच सी वाला लैम्डा में, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज हमने इनकी वैल्यूज पुट करी और लैम्डा हमारे पास है नहीं, बट लैम्डा सीजीएस में क्या रहेगा, सेंटीमीटर्स में रहेगा, एंड जो इसकी वैल्यू आएगी इन सबको मल्टीप्लाई करके दैट विल बी 119.7 × 10⁻⁶ अर्ग्स पर मोल में आ गई ये वैल्यू, राइट? अगर इसको मैंने कैलोरीज पर मोल में करना है, सो आई विल जस्ट राइट दिस वैल्यू, दैट कैलोरीज में क्या होता है, हमने जब इसको चेंज करना है कैलोरीज में, हमें पता है दैट वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 × 10⁻⁷ अर्ग्स. सो अगर अर्ग्स को कैलोरीज में चेंज करेंगे सो वी विल डिवाइड इट बाय 4.187 × 10⁻⁷, राइट? सो अगर मैंने इसको मतलब इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉपरली, देन आई विल गेट द एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू 2.86 / λ इन द सेंटीमीटर्स, दैट इज इन कैलोरीज पर मोल, राइट? सो ये इसमें अगर हम पुट करें वैल्यूज अपनी, सो वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी, राइट? अब नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट्स में क्या होगा, जो हमारा एवोगाड्रो नंबर है वो तो सेम रहेगा, बट लेकिन एच की वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁻³⁴, और जो सी की वैल्यू होगी दैट इज 3.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इन सब की वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.1197 जाउल पर मोल, राइट? और इसको अगर किलो जाउल पर मोल में लिखना है तो वी कैन राइट इट एज ई इज इक्वल टू 11.97 × 10⁻⁵ किलो जाउल पर मोल, जिससे हम लैम्डा जो है मीटर्स में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन इन डिफरेंट यूनिट्स. अब हमने देखा कि जो एनर्जी पर आइंस्टाइन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी पर आइंस्टाइन होगी. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो रहेगी
दैट इज इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है देन दी एक्स रेज कंपेयर्ड। एंड अगर हम देखें एनर्जीज तो फिर एक्स रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी देन दी यूवी देन दी विजिबल एंड सबसे कम होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की। सो दैट वॉज अबाउट द टू लॉज। अब हमने पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ आइंस्टीन लॉ। हमने क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड को हमने डिफाइन करना है कि हम आइंस्टीन लॉ की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आइंस्टीन लॉ का करेक्ट है राइट तो हर मॉलिक्यूल जो है वो वन क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। जितने क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे उतने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। पर लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं करते रेडिएशन, ये ऑब्जर्व किया गया। और कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन पहले, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस। फिर वो मॉलिक्यूल जो है जिन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी दैट आर कॉल्ड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन निकलवाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस राइट। सो आई थिंक आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस क्लियर है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं एंड कुछ रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती राइट। एंड अगर हमने क्वांटा एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का रिलेशन निकालना है तो हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड दैट इज फाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन अ सेम टाइम राइट। तो इन दोनों की रेशियो जो आएगी दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, नंबर ऑफ हमने पढ़ा था आइंस्टाइन क्या होता है पर मोल ऑफ एनर्जी। सो हम मोल्स में ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट करेंगे अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। सो क्वांटम एफिशिएंसी की डिफिनेशन हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी राइट। तो अगर स्टार्ट आइंस्टाइन लॉ जो है स्ट्रिक्टली ऑबे किया गया तो फाई शुड बी इक्वल टू यूनिटी राइट। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बट लेकिन इसकी वजह से ही हम एक और स्टेटमेंट लेते हैं दैट इज ईच मॉलिक्यूल दैट गेट्स एक्टिवेटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन एब्जॉर्ब्ड वन क्वांटम ऑफ लाइट। ये भी डेफिनेशन हो सकती है फॉर द क्वांटम एफिशिएंसी। पर लेकिन हम प्रॉपरली हमें पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं करते लाइट, इसलिए हम ये ऊपर वाली डेफिनेशन ही जो है ऑबे करते हैं राइट। सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें हम एक्सपेरिमेंट से डिटर्मिन करेंगे क्वांटम यील्ड को। अब एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटम यील्ड कैसे लिख सकते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड, और वी कैन राइट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन क्वांटा एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। सो हमें इस चीज से पता लगता है कि अगर हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करना है, सॉरी अगर हमने क्वांटम यील्ड निकालनी है तो हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करना पड़ेगा और क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हमें मेजर करना पड़ेगा राइट। तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी है ताकि हमें क्वांटम यील्ड निकाली जा सके। सो अगर एपरेटस देखें कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एपरेटस क्या है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। अब पहले जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो सोर्स ऑफ रेडिएशन एमिट कर सकता है सूटेबल इंटेंसिटी की लाइट वो हम लेंगे इन द डिजायर्ड स्पेक्ट्रल रेंज। और यहां पर जो सोर्स होंगे दैट विल बी फिलामेंट लैंप, कार्बन मेटल आर्क या फिर एनी गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स राइट। तो ये हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन रहेगा, इसमें से रेडिएशन निकलेंगे। फिर हम सेकंड चीज लेंगे लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, जो लेंस इसको स्ट्रेट लाइंस में एमिट करवा दे राइट। और फिर मोनोक्रोमेटर लेंगे जिससे कि सारी वेवलेंथ कट हो जाएंगी, सिर्फ एक वेवलेंथ की रेडिएशन पास होगी उसमें से, दिस कॉल्ड फिल्टर ऑल्सो राइट। फिर वो रेडिएशन जो होगी वो एक स्लिट से निकलेगी ताकि वो रेडिएशन जो है वो नैरो हो जाए राइट। और स्लिट से निकलने के बाद एक सेल जो होगा वो हमारा थर्मोस्टैट में प्लेस्ड होगा, उसमें रिएक्शन मिक्सचर होगा। और जो सेल है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज जिसमें ऑप्टिकली प्लेन विंडोज होंगी ताकि वो लाइट जो है उसमें एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सके राइट। अब जो ग्लास जो यूज होगा दैट इज यूज ओनली वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजली लाइज इन विजिबल रीजन। अगर रेडिएशन जो होंगी उनकी वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से कम है तो सेल जो है वो ग्लास से बना हुआ हम यूज करेंगे। सो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है पेपर में, सो आई थिंक आपको ये याद रखना चाहिए। एंड लास्ट जो है रेडिएशन कहाँ पर जाती है, रिकॉर्डर में। ये यूजली एक थर्मोपाइल या एक्टिनोमीटर होता है जो कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होगा राइट। सो आई थिंक आपको क्वांटम यील्ड की एक्सपेरिमेंटल एपरेटस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि थर्मोपाइल और एक्टिनोमीटर क्या होते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ थर्मोकपल्स राइट। अब
रॉड ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स आर ज्वाइंट ऑल्टरनेटली, और जैसे हम सिल्वर या फिर बिस्मथ ले सकते हैं, इनकी दोनों की रॉड ज्वाइन करेंगे ऑल्टरनेटली। अगर दो रॉड ज्वाइन है तो ये थर्मोकपल होगा, राइट। सो यहाँ पर एक फोटो है, दो रॉड ज्वाइन होगी तो दैट इज थर्मोकपल, राइट। अब हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शन जो है वो मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़ देंगे, दैट इज ब्लैक एंड विल प्लैटिनम और लैम्प ब्लैक, और अदर सेट ऑफ जो जंक्शन होगी वो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे बाय प्लेसिंग देम इन अ बॉक्स, राइट। तो यहाँ पर ऐसे थर्मोपाइल बनाया, यहाँ पर मैंने ब्लैक कार्बन ब्लैक के साथ जो रेडिएशन है उसमें से इन्हें ज्वाइन किया, और जो दूसरा सेट जंक्शन का था दैट इज प्लेस्ड इन अ ब्लॉक, राइट। तो ये बॉक्स में फिट कर दी। अब जो रेडिएशन जो होगी ब्लैक एंड मेटल स्ट्रिप पर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे रेडिएशन को, और इस वजह से ही क्या होगा, रेडिएशन जो ये जंक्शन होंगी वो हॉट हो जाएंगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड प्रोड्यूस द करंट, जो कि हम मिलीमीटर से मेजर कर लेंगे। जब हम कैलिब्रेट कर लेंगे थर्मोपाइल को विद रेडिएशन ऑफ नोन इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर्ड रेडिएशन कैन बी मेजर्ड। तो इस तरीके से हम डिजायर्ड रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया दैट हाउ थर्मोपाइल मेजर्स द इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोमीटर। अब केमिकल एक्टिनोमीटर जो होता है दैट इज अ डिवाइस इन विच गैस मिक्सचर और सोल्यूशन सेंसिटिव टू लाइट आर यूज्ड, ठीक है। गैस मिक्सचर या उन सोल्यूशन को मेजर करेंगे जिनको जो आर सेंसिटिव टू लाइट, राइट। तो वर्किंग जो है इसकी बेस्ड होगी ऑन द फैक्ट दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब ब्रिंग्स अबाउट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। जितनी रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी उतनी केमिकल रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर कॉमनली एम्प्लॉयड जो है यूरिनल ऑक्सेलेट एक्टिनोमीटर यूज होगा, जिसमें 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड होगा और 0.01 मोलर यूरिनल सल्फेट होगा। ये वाटर में रखेंगे और जब एक्सपोज करेंगे लाइट की तरफ तो हमारे पास ये रिएक्शन अक्कर होगी, राइट। और जितनी रिएक्शन अक्कर हो रही है, राइट, दैट कैन बी मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग ऑक्सैलिक एसिड विथ पोटेशियम पर मैग्नेट। और यहाँ पर इसको जितनी रिएक्शन हुई है उस हिसाब से हम इंटेंसिटी ऑफ दैट रिएक्शन निकाल लेंगे, राइट, रेडिएशन की इंटेंसिटी निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो यूरिनियम सल्फेट है दैट एक्ट्स एज अ फोटोसेंसिटाइजर, मींस ये पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा फिर उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड पर पास होने देगा। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट हमारा दैट इज प्रोसीजर के कैसे मेजर करेंगे इसे रेडिएशन को इंटेंसिटी को। सो पहले हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब को मेजर करेंगे, राइट। तो पहले एम्प्टी सेल लेंगे या फिर सेल विद सॉल्वेंट, उसे थर्मोस्टैट में रखेंगे। जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के ऊपर पास होंगी, रीडिंग जो होगी रिकॉर्डर में से हम लेंगे और इससे हमें इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पता लग जाएगी। अब रिएक्शन जो होंगी वो सेल में लेंगे और रेडिएशन जो होंगी उसको पास होने देंगे टिल रीडिंग इज टेकन। तो डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स गिव्स द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स। अब इससे जो फ्रॉम दिस द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन इज कैलकुलेटेड, राइट। तो इस फॉर्मूला से हम एब्जॉर्ब रेडिएशन की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इनटू टाइम इन सेकंड्स, राइट। अब मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम या तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे जो भी हमने फॉलो किए, या फिर हम सैंपल्स को मेजर करेंगे जो कि पीरियडिकली रिमूव किए गए थे। अब इनको रेट ऑफ रिएक्शन और लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब को हम देख के हम जो क्वांटम यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया हाउ टू मेजर क्वांटम यील्ड। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।